गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो गाइस, आज से हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे 30 दिन तक 30 व्लॉग, मतलब एक महीने तक हमारे चैनल पर होगी डेली व्लॉगिंग। हमारे व्लॉग आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था, सब लोग बोल रहे थे कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते। नहीं करती क्योंकि यार मेरा छोटू सा क्यूट सा बेबी है, और दिखाओ ये रहा क्यूट सा बेबी, तो ये हमें व्लॉगिंग नहीं करने देता, ये बहुत बिजी रखता है अपने कामों में। आज वाला व्लॉग में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग आज? अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपना इवनिंग रूटीन, मतलब इवनिंग में मेरा रूटीन कैसा रहता है। तो गाइस, अभी हमारे शोना जी ये अपने पेट के साथ खेलेंगे, मतलब सुजी के साथ। इतने मैं किचन के खाने वगैरह की प्रिपरेशन कर लूँगी, खाना वाना रेडी कर लेती हूँ। इतने ये सर जी अपने डॉगी के साथ खेलेंगे, क्योंकि ये अगर एक बार बिजी, मतलब फ्री हो गया ना, अभी ये सूजी में फिर बिजी रहेगा तो ठीक है, अब ये सोकर उठा हुआ है तो इसलिए इतना खुश है, वरना थोड़ी देर बाद ही नहीं बहुत क्रैंकी हो जाएगा और इधर उधर रोने लगेगा। ये देखो, खुद को देख कर जय कर रहा है। इधर मिरर है ना, तो मिरर में खुद को देख कर ही जय कर रहा है। ये अपने आप को सलाम ठोकता है। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ प्रेरणा के यहाँ से, तो मैं वहाँ से आई हूँ, तो अब इवनिंग का रूटीन मेरा शुरू होता है, तो ये वाला व्लॉग मैं दूसरा बना रही हूँ। तो गाइस देखो, इसको नीचे मैंने बिठा दिया, ये ऐसी हरकतें करता है। सूजी के साथ खेल ले, मुझे काम करने दे थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं पीऊँगी ठंडा पानी, क्योंकि मैं आते इतनी ज़्यादा थकी थी, क्योंकि यार हॉस्पिटल में ना चाहे हम कुछ करें ना करें, बट ट्रैवलिंग में मैं थक जाती हूँ यार, मतलब इधर से उधर जाना मैं थक जाती हूँ, तो मैं पहले पीऊँगी पानी। तो गाइस, पानी पीने के बाद अब मैं शुरू करूँगी अपने घर का काम, ठीक है। और आज मैंने पहनी हुई है ब्यूटीफुल सी कुर्ती, इसकी डिटेल इंस्टाग्राम पर जाकर देखना, बहुत कम्फी है। आप लोगों ने देखा होगा मैं सूट वगैरह ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ, बट ये इतनी कम्फर्टेबल है, ऐसा लग रहा है कि टी शर्ट लोअर ही डाली है मैंने। इसके नीचे अफगानी सलवार है बाय द वे, वो सब हम छोड़ते हैं, कैमरे को लगाते हैं साइड में और आप लोगों को मेरा फेस दिख ही रहा होगा। अब करते हैं हम अपना काम शुरू। तो आज खाने में बनाने वाली हूँ दाल चावल, ठीक है। तो गाइस, ये दिए हैं दाल, मेरे चावल, और इधर दूध उबलना रख दिया, ठीक है। तो इनको धो के फिर इनको चढ़ाते हैं। तो गाइस, डेली व्लॉगिंग में ना बस इतनी सी दिक्कत है कि ये खाने वगैरह और मतलब सारा काम ना एक साथ करना पड़ता है, एडिटिंग का भी और खाने का भी। अब देखो, आरू मेरी गोदी में कह रहा है कि मुझे गोदी ले लो, ठीक है। अब मैं एडिट भी कर रही हूँ, आरू को भी देख रही हूँ। ये बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है गाइस, ऐसी ना नॉर्मली खेलता नहीं है, इसको हर टाइम, मतलब वैसे तो खेलता रहेगा लेकिन जब देखेगा ना कि मैं फ़ोन में कुछ कर रही हूँ तो ये भगा भगा आ जाएगा, और अभी भी फ़ोन को छीनने के उसमें है कि मुझे बस फ़ोन मिल जाए कैसे ना कैसे करके। अब मैं इधर दाल वगैरह धो रही हूँ और चावल धो रही हूँ, उसके बाद मैं इनको चढ़ा दूँगी, उबलना रख दूँगी, और उसके बाद इनमें चॉक वॉक लगा के फिर हम डिनर करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगी क्या है। तो गाइस, चावलों के लिए ना मैंने ये मंगाया, जन का है ये, और इसके अंदर ना राइस बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग, ठीक है। और दाल मैंने कुकर में चढ़ाई है, एक दूध तो हो गया, ये वाला दूध रह रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ना चावल, मतलब एक एक चावल एकदम प्रॉपर तरीके से बनता है, मैं इसको ऑन कर देती हूँ, और इजी है, मतलब क्लीन भी इजीली हो जाता है और चावल बन भी जल्दी जल्दी तो नहीं, खैर टाइम तो इसमें लगता है, बट हाँ बनते प्रॉपर है, प्रॉपर कुक रहते हैं, कच्चे नहीं बनते बिल्कुल भी, ठीक है। और एक एक चावल एकदम अलग अलग हो जाता है, बहुत अच्छे बनते हैं इसके अंदर ना चावल। और सबसे बड़ी बात है, जब इसके अंदर चावल बन जाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो इसमें बार बार ध्यान करने की भी ज़रूरत नहीं कि सीटी आ गई कुक लग, गैस बंद कर दो, बस इसको ऑन करके चढ़ा दो, अपने आप चावल बनेंगे, अपने आप बंद हो जाएगा, ये बेस्ट पार्ट है इसके। इसके अंदर सब्जी भी बना सकते हैं हम लोग। मेरे तो शाम में खाने वगैरह का काम था, वो तो सारा कंप्लीट हो चुका है, और एक नई चीज़ दिखाती हूँ हम लोग, तो सूटी भी आने वाली दाल में हम लोग ना लड्डू, इधर आओ, एक मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पुजारी है भगवान जी का ना, मंदिर में ही घूमता रहता है, चलो इधर आओ, मम्मा के पास आओ, गोदी आओ, छेले और शेर, गाय जी हमारे छोटा शेर है पुच्चू, और गाय जी ना कमरे में बैठता नहीं, कमरे में एसी है बट ये कमरे में बैठता नहीं, तो इसके लिए हम लोग ये नया कूलर भी लेकर आए हैं, क्योंकि पूरे हॉल में ही खेलता रहता है, तो इस ये देखो ये सीटी से डरता है, तो कैसे रिएक्शन दे रहा है, सीटी से डरता हूं मैं गाइस, जब ये बड़ा हो जाएगा ये व्लॉग बनाएगा, ओए होए डर गया मेरा बच्चा। और देखो पूरे रूम का हाल दिखाती हूँ, इसने क्या बनाया हुआ है, चारों तरफ कुर्सियाँ, वॉकर, कहीं कुछ कहीं कुछ, सारा घर ऐसे फैला के रखता है ये हमारा छोटा शेर,
और जो मेरे रोज़ आए थे ना मेरे बर्थडे पे, मैंने बहुत कोशिश करी बट ये सारे के सारे मुरझा गए। मैंने पानी में भी रखे बट ये चल नहीं पाए। ये देखो एक छोटा रोज़ इधर, ये भी सारा मुरझा गया। तो गाइस मैं आई हूँ पार्लर में अपनी आईब्रो बनवाने के लिए और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी ब्यूटिशियन से जो मेरे आईब्रोज बनाती है। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई होगी, जब मैं कौन सी क्लास में थी, 12th में तो मैं 8th में थी, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम बनवाई तो मैं 8th में थी, तो उस टाइम से सोच लो मैंने अपनी ब्यूटिशियन चेंज ही नहीं करी, जो कि है ये औरत तो गाइस यही मेरी आईब्रोज बनाती हैं। मैं किसी और पे भरोसा ही नहीं करती, इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं मुझे। ठीक है, ये देख लो मैंने अपनी आईब्रो बनवा ली। बहुत दिन हो गए थे यार, बहुत मोटी मोटी हो रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो अब जब मेरी आईब्रो मैंने बनवा ली तो मैं सोच रही ना अपने जितने मेरे फेशियल हेयर्स हैं इनको भी हटा लूँ, क्योंकि जब मैं ये ना मेरा रिचुअल है जब मैं आईब्रो बनवाती हूँ ना तो उसके साथ साथ मैं अपने फेशियल हेयर्स भी रिमूव करती हूँ। ठीक है, तो ना तो मैं वैक्स से करती ना मैं थ्रेड से करती, क्योंकि मुझे इतना पेन होता है, मुझे आईब्रो में इतना पेन होता है तो मैं फेस पे तो करवा नहीं सकती थ्रेड से। और वैक्सिंग से मुझे दाने वाने का डर रह जाए कि कहीं दाने ना हो जाए, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं करती हूँ फेशियल रेजर जो आते हैं उनसे। ठीक है, तो जितने भी फेशियल हेयर है ना सारे के सारे देख लो कितने सारे हो रखे हैं, और मेरे ना ये दाने भी हो रहे हैं। दाने पता क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में ना मैंने फेशियल करवा लिया था। मैं फेशियल वगैरह नहीं करवाती, मैं करवाती हूँ तो वाले करवाती हूँ बीबी ग्लो, मतलब जो मशीनों के थ्रू होते हैं, ये नॉर्मल वाले मैं कभी नहीं करवाती। बट अभी मैंने कुछ दिन पहले बस पता नहीं क्यों ही मैंने करवा लिया और उससे मेरे छोटे छोटे दाने हो गए, वरना मेरी स्किन एकदम क्लीन है। अब नहीं करवाऊंगी कभी भी। बाय द वे अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने फेशियल हेयर्स को हटाने, फेस दोबारा से क्लीन करती हूँ, मतलब डबल क्लींजिंग करती हूँ अपने फेस की। तो गाइस वेट वाइप से वाइप करने के बाद ना मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लूँगी, वो भी थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि जब हम रेज़र करते हैं ना अपने फेस पे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फिर फटने लगती है, तो इसलिए मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखती हूँ ताकि स्किन फटे ना। इससे मेरी स्किन भी मॉइस्चराइज रहती है और जब मैं रेज़र करती हूँ तो बहुत अच्छे से सारे एक एक हेयर अलग अलग रिमूव हो जाते हैं ईजीली। तो गाइस मैंने अपनी स्किन कर ली है मॉइस्चराइज अच्छे से, अब मैं करूँगी इस पर रेज़र वगैरह से। तो गाइस देख लो मैं करती हूँ वाले रेजर से यूज़। ठीक है, ये होता है फेशियल रेजर, इससे सारी की सारी, मतलब जैसे अगर बालों की डायरेक्शन इधर है तो मेरे सर इधर चला रहा है, ऐसे करके मैं सारे के सारे बालों को रिमूव कर लेती हूँ। तो गाइस मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ, इधर मिरर है तो मैं इधर देख के करूँगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि ऊपर ऊपर की तरफ करना है, जिधर बाल नीचे को है तो उधर हमें रेजर ऊपर चलाना है। अभी दिखाऊं कितने सारे बाल निकले हैं, ये देखो। ये देखो दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये सारे हेयर्स ही हैं। तो इस वीडियो चलने के बाद ना मेरे से ढंग से हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं कैमरा का एंगल देख रही बीच बीच में, और देखो बाकी ये जो सारे के सारे हैं ना, ये सारे के सारे देखो हेयर निकले हुए हैं। ये देखो ये ना जो हेयर्स हैं देखो इसमें भी, रेजर में देखो कितने ज़्यादा डर्टी लग रही है ना गाइस, ये सारे के सारे निकाल दिए गए मैंने, और ये स्किन के डर्ट को भी निकाल देता है। ये जो भी है देखो कितने ज़्यादा गंदगी निकली है ना, मतलब हेयर से इतने सारे छोटे छोटे देख रहे हो फेस पे। और मैं मतलब ये चीज़ ना मंथ में एक बार कर लेती हूँ, इससे जितने मेरे हेयर्स होते सारे रिमूव हो जाते हैं, और स्किन ना इसके बाद जब रिमूव होने के बाद एक अलग ही ग्लो करती है। और इवनिंग में ना ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा स्किन केयर वगैरह ये सब करती हूँ, बट हाँ काफ़ी बार तो करती हूँ, तो ये मेरा एक पार्ट है। देखो ये भी ड्रामेबाजी करा, देखो कैमरा स्टार्ट होता है इसकी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है, देखो इस लड़के की
गाइस, तो अब बस मेरा स्किन केयर तो हो गया, इसको फेस को वॉश कर लूंगी और मॉइस्चराइज लगा लूंगी। स्किन केयर मेरा आज का हो गया और स्किन देखो कितनी ग्लो मार रही है, हेयर्स निकलते हैं क्योंकि हेयर्स ना हमारे स्किन के कलर को डल करते हैं क्योंकि वो ब्लैक रहते हैं हेयर, ठीक है। और हमारी स्किन पर अगर छोटे 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 ब्लैक हेयर्स होंगे तो हमारी स्किन को थोड़ा सा ना डल करेंगे, मतलब समझ लो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अगर आप लोग टाइम से रिमूव करते रहोगे तो आपकी स्किन एकदम हेल्दी ग्लोइंग रहती है गाइज। एंड आप में से ना काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दीदी आप आरू की डाइट में क्या देती हो आरू को, तो देखो गाइज अभी मैंने इसको एप्पल प्योरे खिला रही हूँ, तो ये देखो कितने ड्रामे करके खाता है, मतलब ये बच्चा ना खाने को छूता तक नहीं है। मैं इसके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ जो इसके लिए हेल्दी है, बट ये खाने को छूता भी नहीं है। बहुत ही नौटंकियों के बाद इसको थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है, वो भी बिल्कुल एक दो चम्मच ही खाएगा, उसके बाद ये रिजेक्ट कर देता है। इतने सारे सारे ड्रामे करो उसके बाद ये थोड़ा बहुत खाता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा हर कुछ खा लेता है, इसके तो बहुत ही ज़्यादा नखरे हैं। और स्पेशली जो हम लोग खाना खाते हैं ना, दाल रोटी और सब्जी वगैरह, ये उन चीज़ों को नहीं पकड़ता, ये अपने लिए अलग ही चीज़ बनवाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने इसको आदत भी ऐसी डाली है प्योरे वगैरह खिलाने की, तो ये उसी टाइप का खाना प्रिफेयर करता है, और वो भी थोड़ा बहुत बिल्कुल स्पेशली इसके लिए बनाओ, उसके बाद ये ढंग से खाता भी नहीं है, ये सारे खाने को ऐसे ही रिजेक्ट करता रहता है। तो इसके तो बहुत ही ज़्यादा नखरे हैं, और इस वजह से मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं हूँ कि बच्चे ना ऐसे ही खाना खाते हैं अपने पीछे भगा भगा के, इसको खिलाओ हंसाओ, ये जब खाना खाएगा तो देखो इसके ड्रामे, ये ऐसे ऐसे नौटंकियाँ करता है। तो ये खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाता और ये दूध भी नहीं पीता प्रॉपर तरीके से जैसे बच्चे पीते हैं, ये दूध भी बस 100 ml पूरे दिन में पीता है, तो ये दूध पीता ही नहीं है और खाना भी ऐसे ही कम सा खाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीक भी लगता है आप लोगों को देखने में ना, बट क्या ही कर सकते हैं। अब देखो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ बट ये खाता ही नहीं है। लड्डू तो गाइस मैं अभी अपना स्किन केयर कर रही थी, तो मैंने सोचा फेस पैक लगा रही थी, ठीक है, और मैं फेस पैक लगा के बैठी और बीच में आ गई ये। और एक चीज़ दिखाती हूँ, जब से शादी हुई है, जब से ज़िंदगी में पहली बार इस आदमी ने खुद से खाना खाला होगा, ये सच है या नहीं है, चलो बताओ। झूठे, सच में इन्होंने शादी होने के बाद पहली बार खाना खुद से घाल के खाया है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है रश्मिना, है ना? ये तो मुझे देख देख के खुश हो रहा है, देख लेते ना बाप बेटे को। अब बेटो जाए। गाइस देखो मेरा लड़का अपनी खुद की वीडियो बना रहा है ऐसे करके।